वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने यूट्यूब वीडियो पर थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगी, यूट्यूब स्टूडियो। तो ये आप अपने प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लें। इसका आइकन आपको नज़र आ रहा है यूट्यूब स्टूडियो के नाम से। तो डियर फ्रेंड, इस ऐप को यूज़ करते हुए आप बड़ी ईजीली अपनी यूट्यूब वीडियो पर अपना थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह इसको एडिट करना है और कैसे इस पर आपने थंबनेल अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, जब ऐप डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरह का आइकन आपके पास शो होगा। इसको आप ओपन कर लें। आपका जो अकाउंट है वो अब YouTube स्टूडियो में ओपन होगा। तो देखें डियर व्यूवर्स, ये आपके सामने आपका चैनल ओपन हो गया, जिस तरह मेरा चैनल आपको नज़र आ रहा है इन्फोजेट के नाम से। तो डैशबोर्ड आपको नज़र आ गया। यहाँ से सबसे पहले आप चेक कर सकेंगे कि आपके अकाउंट के बिहाइंड एक्टिविटी क्या हो रही है, आपको कितने लाइक मिले, कितने डिसलाइक, कितने कमेंट्स मिले, सब्सक्राइबर कितने, आपके व्यूज़ कितने आपके। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखें, जब आपको लेफ़्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे तीन लाइन नज़र आएंगी, उनको आप प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ से आप वीडियोस की डिटेल देख सकेंगे, प्लेलिस्ट, कमेंट्स, एनालिटिक्स, यूट्यूब पे चले जाएंगे, सेटिंग कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आएंगी। तो जैसे ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वॉच टाइम 93 मिनट्स, व्यूज़ 80, सब्सक्राइबर चेंज 14+, उसके अलावा आप अपनी वीडियोज़ की एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, इसको लाइक कितने मिले, डिसलाइक कितने मिले। तो यूट्यूब स्टूडियो पर जाके आप अपने अकाउंट को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने अब वीडियोस पे क्लिक किया तो ये मेरे पास जितनी मैंने अपलोड वीडियो की हुई हैं वो सारी सामने शो हो रही हैं, और उस पर कितने लाइक्स हैं, कितने व्यूज़ हैं, कितने कमेंट्स हैं, वो सारे शो जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई प्लेलिस्ट नहीं है मेरे पास। उसके बाद आपके पास कमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियोज़ पर कौन से कमेंट आए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या लिखा। उसके बाद एनालिटिक्स में जाके आप अपने अकाउंट की मुकम्मल डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो पे आपको कितने व्यूज़ मिले, कितना टाइम वॉच मिला, कितने लाइक मिले, कितने डिसलाइक मिले, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। देखें, जैसे वॉच टाइम शो हो रहा है मिनट में, लास्ट 28 डेज 93 मिनट्स, और व्यूज़ कितने लास्ट 28 डेज में 80, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है वो भी सारी शो हो रही है। यहाँ से जाके आप अपने अकाउंट की मुकम्मल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइबर कितने मिले, और आपको वाई टाइम कहाँ से मिला, अननोन सोर्सेज से मिला, नॉट सब्सक्राइब लोगों से मिला या सब्सक्राइब लोगों से मिला, लाइक्स कितने मिले, टॉप वीडियोस आपकी कौन सी हैं, जितनी वीडियोस आपने अपलोड की हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे आ रहे हैं, वाई टाइम किस पे आ रहा है। तो ये सारी तफसील आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाके यहाँ से मिल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए, अपने अकाउंट की डेली एक्टिविटीज चेक करने के लिए। उसके अलावा ऊपर ऑप्शन दिए जा रहे हैं ओवरव्यू, डिस्कवरी, ऑडियंस, तो ये सारे ऑप्शन भी आपके अपने अकाउंट के रिलेटेड हैं, जिसमें जाके आप अपने अकाउंट की मुकम्मल एक्टिविटीज चेक कर सकते हैं, आपको व्यूवर कहाँ से मिले, वॉच टाइम कहाँ से मिला, यूट्यूब के ज़रिए मिला जहाँ पर आपने लिंक शेयर किया था, या मैसेंजर के ज़रिए मिला, या सब्सक्राइबर से मिला, कैसे मिला आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। प्लेलिस्ट में फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई। तो ये देखें, ये जो आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ से जाके आप अपने अकाउंट की मुकम्मल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। जिस वीडियो पर भी आपने थंबनेल अपलोड करना है उसको सेलेक्ट करें, वो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये ऊपर आपको एक पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो ये पेंसिल का निशान जो है वो आपको ले जाएगा सीधा एडिट थंबनेल पे, और यहाँ पे क्लिक करें एडिट थंबनेल पे, ये चेंज पे क्लिक करें। जब आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको अपनी गैलरी में ले जाएगा, जहाँ पर आपने थंबनेल बना के रखा हुआ है। अब वहाँ से थंबनेल को सिलेक्ट करें। जब आप थंबनेल को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये दोबारा से आपको अपनी वीडियो पर ले आएगा, जहाँ पर आप इसको एडिट कर रहे थे। देखें, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको राइट साइड पे कोने पे सेव का ऑप्शन नज़र आएगा, उसको प्रेस कर दें तो ये देखें आपका थंबनेल आपकी वीडियो पर अपलोड हो चुका है। तो बड़ा इजी वे है
अपने अकाउंट को मैनेज करने का। तो ये शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब।